प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। गुरुवार को पीएम मोदी दो दिवसीय यात्रा पर धर्मशाला पहुंचे। इस दौरान वहां मुख्य सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने सुबह धर्मशाला पहुंचने के बाद रोड शो किया। आज दिन में उनका सम्मेलन की अध्यक्षता करने का कार्यक्रम है। सम्मेलन में केंद्रीय आवास और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शरीक होंगे। पारंपरिक वेशभूषा पहने अलग अलग सांस्कृतिक समूहों के सदस्यों ने रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री के स्वागत में अपने वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति दी। खुली जीप में सवार प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के करीब 200 विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इसमें पहले पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर सिंथेटिक ट्रैक मैदान धर्मशाला में उतरा। सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचली टोपी और मफलर भेंट कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार भी उपस्थित थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे रोड शो में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां लोगों ने उनके ऊपर खूब फूल बरसाए। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अधिकारियों ने बताया कि सम्मेलन में शहरी शासन, फसल विविधीकरण और कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता के अलावा नई शिक्षा नीति 2020 कार्यान्वयन पर चर्चा भी होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों की भागीदारी से तेज और सतत आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने बुधवार को धर्मशाला HPCA स्टेडियम में नीति आयोग द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत की। सम्मेलन शुक्रवार को समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।